बस सब लोग। अरे धीरेन्द्र जी को बुलाइए प्लीज। चौबे जी को बुलाइए भाई। पूर्णिमा जी धीरेन्द्र जी का बुला लो, बुलाओ। अरे पहले बुला लो, फोटो हो जाए। मनोज जी उधर बैठ जाइए आप। हाँ वही तो हो जाएगा। और हैप्पी वैलेंटाइन डे सब लोग इधर। जनवरी है, फरवरी एक महीने एडवांस पहले बोल देता हूँ, घर भेटाएंगे कि नहीं भेटाएंगे, इसलिए आप सबको मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामना। आगे देख बढ़ना है रंजीत, बढ़ना है जो भी हमारे तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से जो भी कमियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और लेकिन हर चीजों से झेल कर आप लोगों ने इसको पूरा किया। आप लोग नहीं आएंगे लगता है, वो बधाई के पात्र हैं। नहीं आएंगे लगता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया ताकि ये फिल्म आज एक अच्छी फिल्म बन गई। देव पांडे जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। आइए इधर बैठिए, कम बैक टू सी डाउन। देव जी के लिए एक बार क्लैप क्लैप। बहुत अच्छा। आए आए आइए सर, आइए। क्या बेच रहे हैं उधर? इधर चेक साइन कर रहा था। आइए सर, आइए सर। हीरो हीरोइन के बीच में इधर और सर राइट में। नहीं नहीं, बुजुर्गों को आगे बैठाइए। मैं कहना दूंगा एक फोटो खींचना मैं चाहूंगा, ठीक ना? आओ पल्लव, आओ पल्लव भाई, पांडे कट रहा लाइट। लड्डू हमको दे दीजिए, हम कम खाते। माइक ऑन, माइक ऑन सर। एक पैकेट बबलू, हेलो बबलू, संजय, ए संजय, संजय उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ सर। अभी बंगा है, हेलो सर, साउंड है सर। कमल जी आइए, कमल जी आइए। सबसे पहले दौड़ा महाराज, सबसे पहले आपकी कमी है सर। मैं फिल्म बाबरी मस्जिद की यूनिट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंदर अंदर अंदर। जिन लोगों ने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस फिल्म को पूरा किया है, उसके अलावा इस फिल्म के हीरो खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी हीरोइन को भी मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे बिना टेंशन दिए काम किया। इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म से जुड़े हुए सभी पात्र, खासकर डायरेक्टर साहब, डांस मास्टर कमल यादव, प्रिंस जी, इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी प्रोड्यूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करें जिस तरह का मेरे साथ। मैं इन लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। इन लोगों का व्यवहार जो रहा है इतना सॉफ्ट रहा है, लोग बाग इन सबको प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हैं सबको बदनाम करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके पात्र हीरो और हीरोइन से लेकर पूरी यूनिट होती है। जब ये लोग सब इकट्ठे होकर काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, तो एक अलग फिल्म बन के तैयार होती है, जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद तैयार हुई है। उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुणे। और मैं एक घोषणा भी करता हूँ कि हम खेसारी जी के साथ बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी खेसारी जी से टिकट मिलते ही हम उसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगे। उस फिल्म का मुहूर्त बहुत जल्द बॉम्बे में आप लोगों के सामने, जैसे ही खेसारी जी टिकट दे देंगे हम लोग करने जा रहे हैं। और खेसारी जी को एक बार पुनः बधाई इसके लिए, और काजल राघवानी भी होंगी संभवतः, लेकिन ये सब बाद में बताएंगे, आज नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में फिर खेसारी लाल हो गए। एक बार तालियां। लग रहा है जिस तरह शपथ ग्रहण में पहले से लिख कर नहीं दिया जाता है, वैसा ही लिख कर लाए थे, भुनेटी में यह लिख रहे थे का? नहीं, एक्चुअली इनका अनुभव है और इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है,
और बहुत एक्टरों के साथ इन्होंने काम किया है। मेरे साथ ये दूसरी फिल्म है नागिन था और ये दूसरी मूवी है। तो बाकी एक्टरों के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ज़्यादा टाइम लेकर काम किया है। इसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, कोशिश किया एक अच्छी फिल्म बने। देव जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बड़े सॉफ्ट हैं वो, सॉफ्ट माने नरम पीछे हैं। और कमल जी का तो व्यवहार का जवाब नहीं है। हाँ, कमल जी तो बहुत सॉफ्ट हैं, इतना सॉफ्ट है कि जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है। और सारे टेक्नीशियन जब सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को, और मुझे खास करके आप लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपका कर्जदार हूँ, आपका भाई हूँ, और आप लोग भाई मानते हैं, इसलिए मुझे मजा आता है कि चलिए इतने सारे लोग मेरे भाई हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू पूरे टीम बाबरी मस्जिद की। कौन कल से शुरू कर देते हैं? कल से स्क्रिप्ट पे बैठ जाते हैं, कल से स्क्रिप्ट पे बैठेंगे, छह महीने बाद करे, सात महीने बाद, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छी बनाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बनाएंगे। डायरेक्टर साहब कुछ बोलना चाहो। सबको दिल से धन्यवाद। गलती से बाबरी मस्जिद का डायरेक्टर देव पांडे बोल रहा हूँ। सबसे पहले आशीर्वाद देना चाहूंगा माँ केला देवी फिल्म का, धीरेन्द्र चौबे जी का, मेरे हीरो हीरोइंस, मेरा मास्टर ऋतिक गुप्ता कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, और मेरा कैमरामैन ग्रेट सिनेमाटोग्राफर प्रिंस आर आर प्रिंस। अभी सरदार की भूमिका में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ये बिहार से हैं। नाम है प्रिंस, मास्टर रियाज सुल्तान। मेरा प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कमल यादव जी, मेरे लाइट मैन, मेरे कैमरा अटेंडेंट्स, कैमरा सप्लायर, और जिसका सबसे आखिरी नंबर आता है वो मेरे दिल में मेरे सर पे सबसे ऊपर है, जो मेरी पूरी यूनिट के 150 लोगों की सेवा में सुबह 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक खाना पीना नाश्ता चाय देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको स्पॉट बॉय नाम दिया जाता है, लेकिन सच्चे दिल से पूरी फिल्म की बनाने की प्रक्रिया में अगर वो 6 से लेके 8 तक रहते हैं, उनकी पेमेंट भी सबसे कम होती है, अगर वो ना रहें तो शायद ये फिल्म बनाना बहुत असंभव चीज है। चाहे वो हीरो के बॉयज हो, मेकअप मैन हो, या हीरोइन के मेकअप मैन बॉयज हो, ये सब लोग इतने दिल से लगे रहते हैं दिन रात, तभी हमारा ये सिनेमा खूबसूरत दिखता है और खूबसूरत बनता है। बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की, लिरिक्स राइटर की। आज हमारे बीच में हमारे लिरिक्स राइटर पवन पांडे जी हाजिर हैं, और इन सारी चीज़ों को कैनवास पे लाना, मीडिया में लाना, प्रिंट मीडिया में लाना, उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जिसके कर्ता धरता है संजय भूषण पटियाला जी। एक बार खड़े हो जाएंगे ताकि आप लोग देख लेंगे, वो हम ही सारे लोगों को दिखाते रहते हैं, इनको तो दिखते नहीं है। हाँ, फेसबुक पे सबसे पहले अपनी फोटो जरूर लगा देते हैं। थैंक यू, लव यू। कौन नाम है, क्या कौन है? थैंक यू। इनका फोटो आना चाहिए बाबू। इस यूनिट से जुड़े हुए बहुत से लोग रह गए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बहुत से लोगों का नाम मैं जानता भी नहीं हूँ। और संजय भूषण पटियाला ने इसका पीआरओशिप किया है, उनको भी तहे दिल से मैं बधाई। और हमारे कस्ट्यूम डिजाइनर सभी लोगों मैंने मांग लिया, हमारे ड्रेस मैन, मैं वीरेंद्र सर एंड हमारे डायरेक्टर सर देव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज मूवी कंप्लीट हुआ है हमारा, एंड मेरे सारे ग्रुप, मेरे सारे टेक्नीशियंस एंड मेरे को स्टार, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बैक किया इतने दिन। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं सारे स्पॉट दादा, मेरी लाइट दादा, सबको मैं, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो या डायरेक्टर सर, प्रिंस सर, किसी को भी मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वेरी सॉरी उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। ओके, हैप्पी जर्नी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीडिया के सभी लोगों को यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं अभी, थोड़ा बात करके आ रहे हैं। बताइए मुरली खेसारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज फिल्म कंप्लीट हो गई आतंकवादी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हाँ, ढेर सारी शुभकामना बाबरी के जितने भी टीम हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे वर्कर्स लोग, हमारे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, प्रोड्यूसर जी धीरेन्द्र चौबे जी, देव जी, जितने भी इस फिल्म के जुड़े हुए लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आज ये फिल्म कंप्लीट हुई। और मेरे पब्लिक को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर, जिनसे मैं बात नहीं कर पाया उनके लिए।
और बहुत अच्छी मूवी हमारी बन पाई है। इसमें पंगा हुआ, एक दो बार थोड़ा सा पथराव भी हुआ, हम लोग यूपी में गए थे और एक बार हम दोनों को तो घेर लिया, तलवार लेकर चहेट दिया था लोगों ने कि बाबरी मस्जिद क्यों, बाबरी मस्जिद क्यों, तो पंगा हुआ था। लेकिन हम मीडिया को अभी तक आज तक हम क्लियर नहीं किए कि क्या हुआ था, और मुझे घेरा भी गया था यूपी में तलवार लेकर। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किस ग्रुप के लोग घेरे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कौन मुझे मारना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई, हम दोनों पे पथराव भी हुआ, हम एक बार हमारा गाड़ी का शीशा भी टूट गया था। ये गलीमत था कि उस दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया था, सर की गाड़ी थी, तो इसलिए मेरा गाड़ी बच गया, सर के ही ऊपर आया। तो उस दिन पथराव और लगातार दो दिन शूटिंग हम लोग को किया नहीं दिया गया बाबरी मस्जिद की वजह से कि नाम ऐसा क्यों है। बहुत सारी चीज़ें हुई, प्रॉब्लम हुई वहाँ पे यूपी में, इसके वजह से हम लोग कुछ शूटिंग को यहाँ पे शिफ्ट किए। एक दंगा करना था तो एक दंगा हम वहाँ पे किए, दूसरा दंगा हमको यहाँ करना पड़ेगा। दंगा में बहुत सारा एक दो लोगों जख्मी भी हो गए थे, बहुत सारा चीज़ हुआ जिसमें जानबूझ के वो चीज़ किया गया, पता नहीं कौन किया कैसे किया। बाबरी नाम क्यों रखे हो, ये रखे हो, वो रखे हो, इस टाइप से मैसेज भी बहुत सारी चीज़ें आई, गंदा गाली गलौज बहुत कुछ हुआ। लेकिन अंत में हमारी फिल्म सफल हुई और हम एक अच्छी फिल्म बनाने में सफलता हासिल किए। वो कहीं ना कहीं हमारे टेक्नीशियन, हमारे गार्जियन है, मैं इनको बाप मानता हूँ और ये बेटे की तरह मानते भी हैं, मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है इनसे मुझे। तो एक अच्छी मूवी बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका है, क्योंकि इनका एक विश्वास है हम लोगों से, और जिस तरह एक बेटे के ऊपर एक बाप का विश्वास होता है, उसी तरह ये हम लोगों पर विश्वास किए। और इनके पैसे जहाँ भी लगे, अच्छे जगह लगे, ज़रूरत जिस चीज़ की थी वो चीज़ इन्होंने दिया, और बहुत सारा खर्चा किया। करीब मैं क्या बताऊं कि ये जब पैसा चेक काटते थे तो खुद हम लोग को लगता कितना पैसा लगता है, लेकिन नहीं, वो ज़रूरत थी। ये एक फिल्मी आदमी नहीं है, ये दिल से जुड़े और मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि नहीं, अगर हम घर में सिर्फ रोटी से हमारी काम नहीं चलती, उसके साथ सब्जी चाहिए, उसके साथ हमें चटनी भी चाहिए, चोखा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, बहुत सारी चीज़। तो जो चीज़ें ज़रूरत फिल्म की थी इन्होंने टाइम से हम लोग को दिया, और हम लोगों ने एक अच्छी मूवी बनाने में हमारी सफलता हासिल हुई। और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि बाबरी मस्जिद एक ऐसी फिल्म है कि शायद जब वो रिलीज होगी तो लोगों को एक अच्छा संदेश मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी तनाव में रहे जब यूपी में गए थे। तो बहुत सारा चीज़ें डेली हम लोग को होटल पे गाली गलौज हो जाता था, डेली 10-12 लड़के आते थे, गाली देके चले जाते थे, तुम बाबरी क्यों बना रहे हो, ये कर रहे हो, करो। तो पंगा हुआ था, ये भी मैं आज तक किसी से शेयर नहीं किया था, लेकिन आज फिल्म ख़त्म हो गई इसलिए मैंने शेयर किया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और हमारी जो को एक्टर काजल रघवानी है, इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है कि हाँ ये टाइम पर आती हैं, टाइम पर काम करके जाती हैं, और वन टेक आर्टिस्ट भी हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो इन्होंने हम लोग को कभी परेशान नहीं किया। करीबन कोई भी कलाकार इसमें था जो हमें परेशान नहीं किया, सब ने अपनी फिल्म समझ के, बाबरी को अपना होम प्रोडक्शन समझ के काम किया, और सब ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे। ऐसे मैं सबसे छोटा हूँ इस यूनिट में, पूरी यूनिट में सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो मुझे एक जो भाई का प्यार मिलना चाहिए, एक बाप का प्यार मिलना चाहिए, एक माँ का प्यार मिलना चाहिए, वो सब प्यार मुझे इस फिल्म में मिला, और मैं इस फिल्म से बहुत एकदम कॉन्फिडेंस है मेरा, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस कि मैं फिर जब मेरी फिल्म आएगी तो शायद लोगों को एक अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। और लिरिक्स पवन पांडे, आपके प्यारेलाल कबीर जी, हमारे आज़ाद सिंह और घुंघरू जी, म्यूजिक डायरेक्टर जो कमाल के, बहुत सारी फिल्में मेरी किए हैं, आगे करने वाले हैं, तो एक हम लोग का कॉम्बिनेशन है और मज़ा आया, और कमाल के म्यूजिक हुआ है, मज़ा आता है, हर गाने पर मन करता है नाचने का, और हम लोगों ने नाचा है तो मज़ा आया। सब मिला के इस टीम से, इस बाबरी से जितने जुड़ी हुई, बाबरी से तो, बाबरी और राम मंदिर से तो पूरी हमारी इंडिया जुड़ी हुई है, लेकिन उस नाम को मैं कह रहा हूँ कि इस बाबरी से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू, ढेर सारी शुभकामना हमारी फिल्म को पूरा करने के लिए। खेसारी जी, आज मकर संक्रांति है और आज महाराष्ट्र में कहा जाता है कि तिल गुड़ खा और गोड़ गोड़ बोला, तिल गुड़ खा गोड़ गोड़ बोला, गोड़ गोड़ बोला, लेकिन आपने आतंकवादी कंप्लीट की और ये बाबरी मस्जिद कंप्लीट की, तो मतलब आप तिल किसी ने खिलाया नहीं आपको, तिल गुड़ और अभी लड्डू खाया ना, अभी लड्डू देखिए हमारे बाप हैं तो गुड़ के जगह पे लड्डू खिला दिए, स्वीट ही है। एक्चुअली मैं 2 बजे तक रिकॉर्डिंग किया और मैं 3 बजे घर पे पहुंचा, सोते सोते मुझे 4 बज गए और मैं 7 बजे उठ गया। किसको खिलाना चाहेंगे तिल गुड़?
तिल गुड़ अभी हम ही नहीं खाए हैं तो खिलाएंगे कहाँ से? हमको अभी तो मिलवे नहीं किया, जब हमारे पास होगा तब ना हम किसी को खिलाएंगे जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास उतना टाइम नहीं था जब मैं तिल गुड़ खा सकूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर आदमी, अब तो सांझ हो गया है, अब तो रात होने वाला है, अब तिल गुड़ खाइएगा, क्या करेगा आदमी? अभी खा सकता है। लाइक सब लोग अपने नेबर्स के घर जाते हैं और तिल गुड़ देते हैं, एक महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। हमको तो घर जाते जाते 3 घंटा लग जाएगा, जाम भी होगा। काजल, हाँ। काजल आप क्या कहना चाहेंगे, आज कंप्लीट हुई फिल्म, ब्रेकिंग न्यूज है आज का, इन्होंने कहा वन टेक आर्टिस्ट हो गई है काजल राठवानी। माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। बस बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने फिल्म कंप्लीट की, बाबरी मस्जिद। और बस एक महीने पहले हम गए थे लाइक शूट करने, लखनऊ गए थे, इटावा गए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस थे और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और आज हम लास्ट, हाँ किसको सो आज हम फिल्म सिटी में हमारा गाना शूट कर रहे हैं एंड अभी ख़त्म हुआ है, सो हम बहुत हैप्पी हैं। और मैं सबसे पहले सब मेरे सारे फैंस, मेरे सारे दोस्त, सभी दर्शकों को मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारी पूरी टीम से, बाबरी मस्जिद की पूरी टीम की तरफ से। और तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, मेरी तरफ से थोड़ी थोड़ी शक्कर चख लेना सब लोग। और बस इतना ही प्यार हमारी बाबरी मस्जिद को भी दीजिए, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और बहुत यूनिक भी है, सो आप सब ज़रूर देखिए। और देव सर, प्रिंस सर एंड हमारे धीरेन्द्र सर, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी और उन सबको ऑल द बेस्ट। धीरेन्द्र जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही केमिस्ट्री काजल जी और केसारी जी की? बहुत अच्छी फिल्म, जिसको ये दोनों मिल जाएँ वो अपनी रिकवरी की तो गारंटी ले लेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। दूसरा, टेंशन मुक्त जीवन प्रोड्यूसर के लिए खेसारी एंड काजल, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। कहा जाता है कि खेसारी लाल, चलते चलते आखिरी सवाल, खेसारी जी तो हैं आपकी अगली फिल्म में, तो जी काजल, काजल जी के बारे में कुछ सोचा? काजल जी भी हैं, लेकिन अभी मैं क्यों सब कुछ करवा रहे हैं, अभी मुहूर्त करने जा रहे हैं खेसारी जी 10 दिन बाद, क्यों खेसारी जी लगभग 10 दिन बाद हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं। और पिक्चर का नाम अभी बता दे रहा हूँ, कस्मे वादे। हो सकता है ये टाइटल 19-20 हो सकता है, लेकिन कस्मे वादे नहीं बदल देंगे। खेसारी जी आखिरी सवाल, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, मकर संक्रांति है आज और किसको तिल गुड़ खिलाना चाहेंगे अपने, आपका किस, कौन है विरोधी जिसको तिल गुड़ खिलाना चाहेंगे? देखिए, एक कलाकार का विरोधी कोई होता ही नहीं है, अगर हमारे विरोधी होते तो शायद हम आज इतने आगे नहीं होते। और इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं सब मेरे सम्मानजनक लोग हैं, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो भी हीरो हैं, जो भी हीरोइने हैं, सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। आज अगर कोई मेरा दुश्मन होता तो शायद मैं आज इस आपके सामने बैठकर कुछ कहने की औकात नहीं होती मेरी। तो सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोग मुझे चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हर आदमी गुड़ और तिल खा के और मीठा मीठा बोले और सबको प्यार ऐसे ही करते रहे जिस तरह मुझे करता है। सर, आखिरी सवाल, चलते चलते BSF का जवान जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो इसके पीछे जिनका हाथ है उनके लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आज हमारे देश की फौजी है, क्योंकि मैं भी एक फौजी रह चुका हूँ, हम कितने कष्टों में अपने जीवन को रखते हैं उस सीमा पे, शायद एक घर में रहने वाला इंसान महसूस नहीं कर सकता, चाहे वो नेता हो या एक आम इंसान हो, चाहे वो स्टार हो, हमें जो सुख सुविधा मिल जाती है वो अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए उस बर्फ़ में, और वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं उस बर्फ़ में रहता है, पूरी इंडिया की सेवा करने के लिए वो इंसान बर्फ़ में रहता है, पहाड़ पे रहता है, वादियों में रहता है, कष्ट में रहता है। तो इंडिया के उन करोड़ों लोगों को वो व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए जितने हमारे सैनिकों को मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उस सैनिकों को इतनी अच्छी व्यवस्था मिले ताकि उनके अंदर खाने पीने की अगर चीज़ें व्यवस्था नहीं की जाएगी तो शायद हमारे देश की रक्षा क्या करेंगे, बताइए। जब वो अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से सो नहीं पाएंगे, अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो हमारे देश के लिए वो क्या लड़ेंगे? कमज़ोर आदमी देश के लिए लड़ाई थोड़ी कर सकता है। तो जो भी है इस देश में, जितने भी हमारे जो भी सरकार हो, हर सरकार से मैं अपील करूँगा कि इस चीज़ पर ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि हमारे देश के फौजी आज सीमा पर हैं तभी शायद हम लोग सुरक्षित हैं और हमारे बीवी बच्चे रोड पे अच्छे से चल पा रहे हैं, अपने घर में अच्छे से रह पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश के फौजियों को इतनी सुविधा मिले, इतनी अच्छी खाना पीना मिले कि शायद वो उनके मजबूती रहे ताकि वो दुश्मन का सामना कर सके।
काजल जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ओम बाबा को लेके, ओम बाबा क्या कहना चाहोगे आप? एक महिला हो, किसी किसी महिला का वो सारे लोग जानते हैं, और एज अगर वो गुरु जी मानते हैं लाइक सब उनको, तो गुरु के नाम पे लाइक सीरियसली बता, धब्बा है वो, बिकॉज गुरु ऐसे नहीं होते हैं, मैं क्लियर बोलूँगी। सो ऐसे हरकतें उन्होंने की है, बहुत उनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है, कल आपके घर का घेराव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जो सत्य है वो है, लेकिन इनका घर का पता चलेगा तब ना। यही कहा रहती हैं आप, बताइए कहाँ रहते हैं सर? हम कहा के बता दे पुलिस, जब हमको खुद ही पता नहीं है कि कहाँ रहती हैं। कहाँ रहती है काजल जी, बताइए? मैं घर में रहती हूँ। घर कहाँ पे है? मेरे घर बहुत सारे हैं, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं शूटिंग करती हूँ, वहाँ हर एक मेरा घर ही है। सो हम जहाँ जाते हैं हम एक एक महीना रहते हैं, सो घर ही समझ के रहते हैं। मैं कभी कभी चलो घर चलना है ऐसे ही बोलती हूँ डायरेक्ट। सो ओम बाबा को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, सो जो अच्छा मैं समझ सॉरी जो ये ओम बाबा है कौन? ओम बाबा बिग बॉस में है, बिग बॉस में जो बहुत चीप हरकतें करते हैं लड़कियों के लिए, बहुत गंदा गंदा सोचते हैं, बोलते हैं। साइकिल चोर थे, साइकिल चोर थे। ओके, एक्चुअली मैं उनको जानता नहीं ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि ओम बाबा आखिर है कौन। और हमारी इंडस्ट्री की हमारी टॉप एक्ट्रेस मोनालिसा गई है वहाँ पे, उन्होंने बहुत उनको झेला है। सो हमारी है वो, हमारी दोस्त है, तो बुरा लगता है कि उसको इतना टॉर्चर कर रहे, सारी चीजें उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला है, और सारी लड़कियाँ उनसे परेशान है। सो वो और मेरे फेवरेट सलमान खान को वो बोलते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा तुम जान ले लो, ऐसा फोन कर रहा है। बट वो गुरु के नाम पे धब्बा है, उनको किसने गुरु बनाया भगवान जाने, बट पता नहीं। इंडिया में इसी की तो छूट है, जो कुछ भी इंसान कर सकता है। धीरेन जी क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में उठा पटक चल रहा है, और चुनाव को लेके क्या आपकी भी कुछ तैयारी चल रही है? सुनने में आ रहा खबरें मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, और माननीय नेता जी सर्वसम्मत से हम लोगों के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, हम उनके साथ हैं। 2017 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, हमारा काम बोलता है अखिलेश जी। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं संगठन में। ओके थैंक यू सबको, मेरे तरफ से पूरी मीडिया को नमस्कार, प्रणाम, मकर संक्रांति।